हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं चार मेजर माइक्रो मार्केट इन गुड़गांव रियल एस्टेट, जो मेजर रियल एस्टेट मार्केट है जहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होना होता है कि किस माइक्रो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को आप इमीडिएटली अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चार मेजर माइक्रो मार्केट गुड़गांव की मैं कौन से कवर करने वाला हूं। पहली माइक्रो मार्केट है द्वारका एक्सप्रेस से, जो सबसे हॉट मार्केट है। सेकंड माइक्रो मार्केट है न्यू गुड़गांव की। थर्ड माइक्रो मार्केट है SPR साउदर्न पेरिफेरी रोड। और फोर्थ माइक्रो मार्केट आपके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो यहां पे मैं आपको मल्टी चीजें यू नो कवर करूंगा अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। तो पहला मैं आपके साथ कनेक्टिविटी शेयर करूंगा, सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा रियल एस्टेट के कौन से फैक्टर्स है इन लोकेशंस पे, थर्ड किस डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है ये जो चारों लोकेशन है, और फोर्थ किस तरीके से आप राइट एरिया चूज कर सकते हो आउट ऑफ ऑल दिस फोर लोकेशन। फिफ्थ मैं आपके साथ चूज करूंगा, बताऊंगा आपको यहाँ पे क्या किस लेवल का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिक्स्थ फ्यूचर प्लानिंग क्या है यहाँ पे, और सेवन्थ नए लॉन्चेस कौन से आ रहे हैं यहाँ पे इस माइक्रो मार्केट के अंदर। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं इन चारों माइक्रो मार्केट की, तो पहली माइक्रो मार्केट है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द यू नो हॉट लोकेशन है ये। और अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मेजर USP है, मेजर यूनिक सेलिंग पोजीशन है, वो है आपका दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी के अंदर लोकेशन है इसकी। एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी हो गई, वेस्ट दिल्ली हो गया, जो द्वारका वाला एरिया हो गया, उसके बिल्कुल पास में इसकी लोकेशन है। प्लस जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो द्वारका का है, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हो तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ मेट्रोज, इन टर्म्स ऑफ लाइक जो भी आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, डिप्लोमेटिक एंक्लेव हो गया, भरत वंदना पार्क हो गया, बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एरो सिटी हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, प्लस ग्लोबल सिटी आ रहा है पास में, तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सीलेंट है। और आउट ऑफ ऑल दिस फोर मेजर माइक्रो मार्केट्स, यहाँ पे लगभग 9,000 करोड़ का डेवलपमेंट करा है गवर्नमेंट ने, ओके। और इंडिया का सिंगापुर बनने की ख्वाहिश है यहाँ पे, बनाने की ख्वाहिश है यहाँ पे नितिन गडकरी साहब की, ओके। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे। सेकंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव एरिया की, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो NH8 से काफी अच्छी है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5 to 10 मिनट्स आप न्यू गुड़गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे आ सकते हो, और 15 to 20 मिनट्स टूवर्ड्स जहां पे भी आपको जाना हो वहां पे आप पहुंच सकते हो टूवर्ड्स दिल्ली वाले एरिया के अंदर। थर्ड यहाँ पे मानेसर से इसकी कनेक्टिविटी काफी यू नो अच्छी है, प्लस इवन SPR से भी काफी अच्छी हो चुकी है एट प्रेजेंट वाया CPR सेंट्रल पेरिफेरी रोड, जो अभी क्लोवरली फ्लाई ओवर बन चुका है। थर्ड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं SPR की, साउदर्न पेरिफेरी रोड की, तो इसकी भी कनेक्टिविटी अच्छी है। कहां से अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेस वे से अभी जुड़ चुका है ओवर क्लोवरली फ्लाई ओवर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से, सोना रोड से, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इसकी काफी अच्छी कनेक्टिविटी है SPR की, साउदर्न पेरिफेरी रोड की। और फोर्थ कनेक्टिविटी अगर मैं बात करूं गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी है वो गोल्फ कोर्स रोड से काफी अच्छी है, प्लस सोना रोड से, ओके, वो वाला जो पैच है। और इसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू अदर थ्री माइक्रो मार्केट्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का। और इसका जो यू नो खूबसूरत बात है कनेक्टिविटी के अंदर, तो जो इंडिया जो गुड़गांव का सबसे प्रीमियम एरिया है गोल्फ कोर्स रोड, उससे इसकी कनेक्टिविटी इसको बहुत ही खास बनाती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये हो गया कनेक्टिविटी की यू नो बात। अब सेकंड अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इन चारों एरियाज के अंदर रियल एस्टेट के बारे में चैप्टर टू के अंदर, तो देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे वन ऑफ द हॉटेस्ट लॉन्च है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 9,000 करोड़ का डेवलपमेंट है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ऑलरेडी इनॉग्रेशन यू नो कर चुके हैं मोदी साहब इसका इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन, और काफी नए लॉन्चेस यहाँ पे प्लान होते हैं, और मैक्सिमम नए लॉन्चेस आज की डेट में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास ही मिलेंगे, और काफी हॉट है, और इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन
एक्सपेंशन दिया है पिछले 10 से 15 साल के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर भी काफी अच्छे आपको लॉन्चेस भी यहाँ पे दिखाई देंगे। रीजन क्या है, यहाँ पे भी काफी लैंड पैच जो बचा हुआ है, ये डेवलपिंग स्टेज के अंदर है यहाँ पे रियल एस्टेट का। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव की, तो एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो मार्केट्स ये रिलेटिवली अफोर्डेबल है यहाँ पे रियल एस्टेट। अगर आप फ्लैट्स लेते हैं, फ्लोर्स लेते हैं, तो एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो मार्केट्स आपको यहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स के अंदर चीजें मिल जाते हैं। इवन प्लॉट्स भी आपको यू नो अदर माइक्रो मार्केट के कंपेरेटिवली थोड़ा अफोर्डेबल रेंज के अंदर चीजें मिल जाती है। आज की डेट में हालांकि अफोर्डेबल की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुके हैं, बट फिर भी एक 1.5 करोड़ रुपए से लेके ऊपर की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको न्यू गुड़गांव के एरिया के अंदर ही मिल पाएगी। द्वारका एक्सप्रेस वे मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो चुका है आज की डेट में या फिर अदर माइक्रो मार्केट्स के अंदर। थर्ड अगर मैं बात करूं एसपीआर की, तो इट यूज टू बी अफोर्डेबल जब जहाँ पे कुछ यू नो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, लाइक आपका बीपीडीपी के एस्टेट गार्डन हो गया या फिर ट्यूलिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑरेंज पर्पल वायलेट वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो एक टाइम पे अफोर्डेबल हुआ करती थी मार्केट। बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट अगर आप देखोगे एसपीआर पे, तो डीएलएफ के दो नए लॉन्च आए थे यहाँ पे, डीएलएफ प्रिवाना साउथ एंड वेस्ट दोनों की कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गए थे 3 दिन के अंदर, जिसकी वजह से यू नो अराउंड 10 के अंदर इसका काफी ब्राइट फ्यूचर है। प्लस M3M ने गोल्ड फील्ड्स यहाँ पे लॉन्च किया था, प्लस इसके अलावा एसपीआर का थोड़ा सा एक्सटेंशन वाला पार्ट है जहाँ पे इवन आपका जो शोभा है वो भी कर्मा लेक लैंड करके अच्छे खासे रेट के ऊपर यहाँ पे चीजें लेके आए थे। तो ये भी अभी आने वाले टाइम के अंदर प्रीमियम सेगमेंट पे आ चुकी है, जिस लेवल के रेट्स यहाँ पे यू नो लॉन्च हो रहे, लाइक 14,000-15,000-18,000 रुपए तक के लॉन्च हमने देखे रिसेंटली, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मार्केट के अंदर। चौथी माइक्रो मार्केट की अगर मैं बात करूँ गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के अंदर, तो ये अदर 3 माइक्रो मार्केट के कंपेरेटिवली रिलेटिवली बेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है एज कम्पेयर टू ऑल दिस 3 अदर माइक्रो मार्केट्स। प्लस यहाँ पे थोड़ी रोड की कंडीशन, पहले रेट्स तो बढ़ रहे थे बट रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, बट रिसेंटली कुछ रोड्स बने हैं। अब देखते हैं, अभी मानसून का सीजन है, बारिश का सीजन है, तो कितने मानसून वो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन वाली जो चीज है वो झेल पाती है। डीएलएफ वाला जो रोड है वो डीएलएफ ने बिल्ड करा था जब उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आर्बर, प्लस जो मेन गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन है उसका भी अभी रोड तो बन गया है, अभी पहले के कंपेरेटिवली काफी बेटर हो चुका है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नए लैंड पैचेस नहीं बचे हुए, बहुत लिमिटेड लैंड पैचेस बचे हुए, लिमिटेड लॉन्चेस आपको मिलेंगे। कौन से नए लॉन्च मिलेंगे वो अभी मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर बताने वाला हूं। तो ये आज यू नो एक ब्रॉड ओवरव्यू था अक्रॉस ऑल द 4 मेजर माइक्रो मार्केट्स। लेट मी टेल यू अबाउट द डेवलपमेंट स्टेज चैप्टर 3 के अंदर की क्या डेवलपमेंट स्टेज है अभी यू नो चारों माइक्रो मार्केट्स के अंदर, और अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो चारों माइक्रो मार्केट्स को आप किस तरीके से थोड़ा सा असेस कर सकते हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, तो जैसे 2 कंट्रीज होते हैं डेवलपिंग और एक डेवलप्ड, तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर यू नो एप्रिसिएशन कम आती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एप्रिसिएशन ज्यादा आती है। तो सिमिलरली डेवलपिंग स्टेज के अंदर अभी द्वारका एक्सप्रेसवे, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मेन एक्सप्रेसवे वो बन चुका है अभी, बट जो अभी सेक्टर रोड है और अपर द्वारका एक्सप्रेस वे वो स्टिल थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। ओके, और पिछले यू नो 10 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लानिंग थी 2008-09 के आसपास की थी यहाँ पे, बट स्टिल अभी यू नो आफ्टर लॉट ऑफ यू नो हसल्स बहुत सारे हर्डल्स आए बीच में, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे यू नो कम्प्लीट हो पाया। अभी जो थोड़ा सा नेक्स्ट हर्डल आ सकता है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे आ सकता है, कुछ लैंड पैचेज है जो भी यू नो लैंड एक्विजिशन का काम जहाँ पे बचा हुआ है, लाइक राघोपुर विलेज हो गया या फिर सेक्टर 99 के बाद वाला एरिया हो गया, तो वो 2 लैंड पैच अगर क्लियर हो जाते तो कनेक्टिविटी काफी बेटर हो सकती है। तो थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज के अंदर आप कह सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे की। ऑलराइट, और यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट पिछले 14-15 साल से बन रहे हैं, बट एक तरीके का नया शहर बस रहा है तो उसको डेफिनेटली बसने में टाइम लगता है, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा लंबे टाइम तक यहाँ पे चल सकते हैं। बट आने वाले 5-10 साल के अंदर वन ऑफ द हॉट लॉन्च, वन ऑफ द हॉट प्रीमियम मार्केट रहने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे की। सेकंड अगर मैं बात करूं न्यू गुड़गांव की, तो वो भी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, बट हालांकि वहां पे बहुत सारे आपको डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट बिल्डर्स, लाइक आपका डीएलएफ हो गया, स्पेस हो गया, जेएमएस हो गया, वाटिका हो गया, मैप्सको हो गया, ऑलराइट, और प्लॉट डेवलपमेंट आपको न्यू गुड़गांव के अंदर काफी मिलेंगे। तो अगेन थोड़ा डेवलपिंग स्टेज से थोड़ा सा ऊपर है, बट डेवलप्ड पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ है, रोड भी रिसेंटली बने हैं पिछले 3-4 महीने 6 महीने के अंदर बने हैं, अदरवाइज रोड्स का भी जो प्रॉब्लम था वहां पे टूटे हुए थे रोड पिछले यू नो 8-10 साल की मैं बात करूं तो। थर्ड अगर मैं बात करूं एसपीआर की, तो रिलेटिवली लेस डेवलप्ड है ये एज कंपेयर टू अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, और यहाँ पे भी आने वाले टाइम के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा। बट इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके पास एडवांटेज है कि सोनार रोड हो गया वो इसके बिल्कुल पास में है, प्लस यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस आ गया है, एयर इंडिया का कैंपस है यहाँ पे, प्लस डीएलएफ यहाँ पे फेज अपना 6 प्लान कर रहा है काफी मैसिव स्केल पे, प्लस साइबर सिटी आने का प्लान है यहाँ पे सेक्टर 74A 75A के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर इसको भी एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान है, तो वो और अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, प्लस अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज के अंदर आप कह सकते हो। अगर मैं गोल्फ कोर्स और एक्सटेंशन की बात करूं तो रिलेटिवली वो काफी डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर 3 माइक्रो मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी इवन जिस लाइक आपका गोल्फ कोर्स रोड है वहां पे भी रेड लाइट फ्री एरिया का प्लान है। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी रोड रिसेंटली बने हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बार बार बनते टूट जाते हैं, एक दो बारिश झेल नहीं पाते, बट प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रोड का थोड़ा सा अभी इम्प्रूव हुए हैं, बट और इम्प्रूव होना बचा हुआ है यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ स्कूल हॉस्पिटल मॉल्स वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4 चूजिंग द राइट एरिया, कि आपके लिए कौन सा राइट एरिया हो सकता है आउट ऑफ ऑल दिस 4 मेजर माइक्रो मार्केट्स। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप डिफाइन करें माइक्रो मार्केट्स तो आपको अपना कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे कि आपके कंस्ट्रेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल बजट बहुत सारे लोगों के लिए कंस्ट्रेंट होता है कि मेरे को इस बजट के अंदर ही प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो आप अपना पहले डिफाइन करिए। उसके बाद सेकेंड कंस्ट्रेंट है कि कौन सा साइज चाहिए आपको, अप्रॉक्सिमेटली 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, तो उस बजट के अकॉर्डिंग वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस माइक्रो मार्केट के अंदर वो आपकी मिल सकती है। थर्ड आ जाती है चीज, उसके बेसिस पे पहले 2 कंस्ट्रेंट है, उसके बेसिस पे आप माइक्रो मार्केट चूज कर सकते हो और आउट ऑफ ऑल दिस 4 मेजर माइक्रो मार्केट। फिर नेक्स्ट फेज के अंदर आप चूज करते हो कि कौन से बिल्डर को आपको चूज करना है। तो मार्केट में 4 तरीके के बिल्डर है, ABCD, तो इसके बारे में डिटेल सेपरेट 30-40 मिनट्स का मैंने वीडियो बनाया कि ABCD कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बिल्डर आ सकते हैं। तो जनरली ए या बी कैटेगरी के बिल्डर्स के साथ जाना आपके लिए बेटर रहता है। रीजन क्या है कि भले वो आपको थोड़ी सी चीज महंगी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू COD बिल्डर, बट वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, जो अपार्टमेंट आप खरीद रहे हो, जो प्लॉट आप खरीद रहे हो, उसकी गारंटी डिलीवरी मिल जाएगी, तो आपका पैसा कहीं पे स्ट्रक नहीं होगा। ओके, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि कई बार ट्रैक रिकॉर्ड गलत भी हो जाता है, जैसा कि हमने यूनिटेक के केस के अंदर देखा था। यूनिटेक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बट फिर भी बहुत सारे बायर स्ट्रक हो जाते हैं, बट वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। बट मोस्ट अगर आप ए या बी कैटेगरी के बिल्डर के साथ जाओगे तो आप रिलेटिवली सेफर हो, ज्यादा सेफर हो एज कम्पेयर टू सी या डी कैटेगरी के बिल्डर के साथ जाओगे। प्लस आपको ये देखना है कि राइट एरिया चूज करते वक्त कि आपकी जो ऑफिस की लोकेशन है वो एग्जैक्टली कहाँ है। तो डेफिनेटली वो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा रहता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो वो अगर आप कम रहेगा तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे और रिक्रिएशन एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे अपनी फैमिलीज के साथ। नेक्स्ट आ जाता है जब आपने बजट चूज कर लिया, आपने कॉन्फ़िगरेशन चूज कर ली, आपने माइक्रो मार्केट चूज कर लिया, आपने बिल्डर चूज कर लिया, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। उस माइक्रो मार्केट के अंदर उस बिल्डर का कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको फिल्टर डाउन करना है। नेक्स्ट है यूनिट साइज, कि आपका साइज कौन सा है, एग्जैक्टली फेसिंग क्या है, और फिर देन इट कम्स आउट टू बी नेगोशिएशन कि आप रीसेल में ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी या फ्रेश बुकिंग में ले रहे हैं, कहां पे आपको बेटर प्राइसिंग मिल रही है, बेटर पेमेंट प्लान मिल रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ आप राइट एरिया चूज कर सकते हैं राइट अपने कंस्ट्रेंट्स को लेके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इन चारों एरियाज के अंदर अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो द्वारका एक्सप्रेस वे को मैं 6 या 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगले 5 से 10 साल के अंदर यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम लेवल का है, यहाँ पे 6 to 7 में रेटिंग दूंगा। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यूटिलाइज करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां से जो डिस्टेंस है 5 to 10 minutes का है, तो वहां पे मेट्रो भी मिल जाएगी आपको, ISCC मिल जाएगा, वहां पे मॉल्स भी मिल जाएंगे लाइक लाइफस्टाइल मॉल हो गया, वेगास मॉल हो गया, बच्चों के लिए स्कूल भी मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो उसके लिहाज से द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज है जो एग्जिस्टिंग दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यूज कर सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं न्यू गुड़गांव की मैं बात करूं तो अगेन मैं इसको 5 or 7 out of 10 दूंगा। ठीक है, मीडियम है, बट स्टिल नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। यहाँ पे लिमिटेड हॉस्पिटल्स है, लिमिटेड स्कूल्स है, बट आने वाले टाइम के अंदर वो चीजें भी इंप्रूव हो जाएंगी कुछ। यहाँ पे अगर मैं मॉल्स की बात करूं तो ट्रेन का आइलिस ब्रॉडवे
हुई है यहाँ पे, जो मेजर चलता है सैफायर 83 है मार्केट, ओके ये दो मेजर मॉल है जो यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे मैक्सिमम क्राउड आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ स्कूल, यहाँ पे आपका डीपीएस स्कूल है और दो तीन स्कूल है, प्लस हॉस्पिटल आरवी हॉस्पिटल है, ऑलराइट तो कम है बट है जो भी है, तो स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड अगर मैं बात करूँ एसपीआर के मार्केट के अंदर, तो थोड़ा डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, वहां से आपको गोल्फ कोस्ट रोड या सोना रोड की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मिलेगा, हालांकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 मिनट्स की ड्राइव पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, एग्जिस्टिंग मॉल्स का फायदा उठा सकते हैं और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हो गए, एग्जिस्टिंग स्कूल्स हो गए सोना रोड के पास, तो उसका एडिशनल एडवांटेज है एसपीआर के पास। फोर्थ अगर मैं मेजर माइक्रो मार्केट्स की बात करूँ गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन की, तो मैं 8-9 out of 10 दूंगा इस माइक्रो मार्केट्स के अंदर, ऑलराइट, बट यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर लॉन्चेस बहुत कम है, लिमिटेड लैंड पार्सल यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग, ऑल दिस फॉर मेजर माइक्रो मार्केट्स। नेक्स्ट 6 चैप्टर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर प्लान क्या है ऑल दिस फोर मेजर माइक्रो मार्केट्स का। तो फ्यूचर प्लान्स की अगर मैं बात करूँ इन चारों मेजर माइक्रो मार्केट्स, तो पहले माइक्रो मार्केट की बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेस है, जो बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है बैकग्राउंड में, अगर आप देख सकते हो, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मेजर माइक्रो मार्केट रहने वाली है। रीजन क्या है कि दिल्ली के साथ जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है, प्लस जो एयरपोर्ट की जो प्रॉक्सिमिटी है, साइबर सिटी की जो प्रॉक्सिमिटी है, वो इसको वन ऑफ द हॉट सेलिंग माइक्रो मार्केट बनाती है। बट और जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट इस एक्सप्रेस वे पे हुई है, आई डोंट थिंक कि वो चारों मेजर माइक्रो मार्केट में से किसी और माइक्रो मार्केट पे इस लेवल की मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे ग्लोबल सिटी भी प्लान है, प्लस दिल्ली के पास की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसकी वजह से मेजर बूस्ट मिलेगा। और ये मेरा प्रेडिक्शन है कि आने वाले 10 साल के अंदर हो सकता है आपको यहाँ पे उस लेवल की प्रॉपर्टीज मिले जो शायद आपको गोल्फ कोर्स रोड पे भी ना मिले, या गोल्फ कोर्स रोड पे जो आज की डेट में प्रॉपर्टीज है उस लेवल की प्रॉपर्टीज आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे दिखाई देंगी। सेकंड फ्यूचर प्लान की अगर मैं बात करूँ न्यू गुड़गावा की, तो अच्छा है फ्यूचर यहाँ पे भी, बट फ्यूचर के अंदर अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर, मिडिल सेगमेंट के अंदर अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप डेफिनेटली उस माइक्रो मार्केट को चूज कर सकते हो। प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी पे आना स्टार्ट हो चुके हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए वो एक बून है। बट रिलेटिवली यहाँ पे भी हर एक सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट है, तो अगर प्लॉट्स की मैं बात करूँ तो 1-1.5 लाख रुपए के आसपास का रेट आ जाता है। अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो 10-11 हजार से लेके 15-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में लॉन्चेस है। और फ्यूचर प्लान इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड की सेक्टर 81 से जो 95 वाला एरिया है उसकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो और एरिया कनेक्टेड हो गया है द्वारका एक्सप्रेस हो गया उससे बहुत दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है उससे, तो न्यू गुड़गांव का फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। तो लेट्स मूव टू द एसपीआर। एसपीआर के फ्यूचर की मैं बात करूं तो ये भी बड़ा बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर रहने वाला है। रीजन क्या है, अभी थोड़ा डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, बट फ्यूचर क्या है यहाँ पे, अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल है, और जो वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि जब गोल्फ कोर्स रोड स्टार्ट हुआ था तो वहां पे भी अमेरिकन एक्सप्रेसवे का कैंपस आया था, बिकॉज ऑफ दैट गोल्फ कोर्स रोड का भी जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गया, ओके okay? और यहाँ पे भी एसपीआर पे भी अमेरिकन एक्सप्रेसवे का जो कैंपस है वो बहुत गेम चेंजर रहने वाला है अगले 10 साल के अंदर। सेकेंड गेम चेंजर रहने वाला है डीएलएफ फेज 6। थर्ड गेम चेंजर रहने वाला है साइबर सिटी 2। ओके तो ये 3 गेम चेंजर रहने वाला है एसपीआर के, जो आने वाले टाइम के अंदर 10 साल के अंदर एसपीआर का भी फ्यूचर ब्रिलियंट कर देगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ माइक्रो मार्केट गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन का। तो अगर मैं गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरी तो नहीं है जस्ट लाइक द्वारका एक्सप्रेस पे है या इवन एसपीआर पे है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका भी जो एरिया है वो रेड लाइट फ्री एरिया हो जाएगा जस्ट लाइक गोल्फ कोर्स रोड है। तो आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन। रेट्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रीमियम हो चुके हैं, डेवलपमेंट ऑलरेडी प्रीमियम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लैंड पार्सल पे बचे नहीं हुए हैं डेवलपमेंट के, और इसलिए बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आते हैं, बहुत लिमिटेड लैंड पार्सल यहाँ पे बचे हुए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है डेफिनेटली यहाँ पे, और आने वाले टाइम के अंदर लॉन्चेस कम मिलेंगे, थोड़े ज्यादा रेट पे मिलेंगे, ऑलराइट। और एप्रिसिएशन एक लेवल तक का आ चुका है, अब यहाँ पे अगर आप एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो धीरे धीरे एप्रिसिएशन आएगा गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे। तो अगर आप सिर्फ एप्रिसिएशन देख रहे हो तो अदर 3 माइक्रो मार्केट्स को आप कंसीडर कर सकते हो। लेट्स
मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज इज न्यू लॉन्चेस। तो न्यू लॉन्चेस इन चार मेजर माइक्रो मार्केट्स के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो यहाँ पे मेजर और न्यू लॉन्चेस की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं शुरुआत करूं 111-113 की लोकेशन से जहां से एक्सप्रेसवे शुरुआत होती है, तो वहां पे अभी स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का फेज 2 आ रहा है। इसके अलावा एंथ्रियम का मेंशन है, उसका नया फेज आया है, एंथ्रियम मेंशन का आया है, कैपिटल का फेज 2 जो था, फिर एलान प्रेसिडेंशियल का भी फेज 2 आने वाला है सेक्टर 106 के अंदर, फिर गोदरेज का 103 में नया रिसेंट लॉन्च हुआ है जहां पे 3 बेडरूम ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, 4 बेडरूम के कुछ यूनिट्स बची हुई है, फिर मैक्स का नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 36A में, कृषिमी का रिसेंटली 36A के अंदर लॉन्च आया है, शोभा का नया लॉन्च आया है सेक्टर 106 के अंदर, एल्टस बीपीटीपी के भी अभी कुछ लॉन्च आने वाले हैं और एक लॉन्च उसका ऑलरेडी चल रहा है 37D के अंदर अमारियो करके, फिर उसके अलावा भी और सेंट्रल पार्क के भी लॉन्चेस आएंगे 104 में भी और 103 के अंदर भी, कुछ लैंड पार्सल उन्होंने लिया हुआ है, ट्रिनिटी के कुछ लॉन्चेस आएंगे सेक्टर 88A के अंदर, 103 के अंदर और भी कुछ चीजें हैं। ऑलराइट, न्यू लॉन्चेस के अंदर डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है तो वो आप देख सकते हो। न्यू गुड़गांव के अंदर नए लॉन्चेस की अगर मैं बात करूं, तो लिमिटेड लॉन्चेस आ रहे हैं यहाँ पे भी, गंगा का नंदा का आया था, उसके बाद गंगा का एक और नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 84 के अंदर, इसके अलावा आशियाना अमारा का फेज 4 आ रहा है, इसके अलावा जेएमएस के कुछ प्रोजेक्ट्स है, एसएस ग्रुप का एक अदर लॉन्च आ रहा है, तो ये नए लॉन्चेस है न्यू गुड़गांव के अंदर। अगर मैं एसपीआर की बात करूं, तो यहाँ पे नए लॉन्चेस अभी रिसेंटली डीएलएफ ने 2 लॉन्च करे थे, डीएलएफ प्रिवाना साउथ एंड वेस्ट, इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, कॉन्शियंट का भी रिसेंटली लॉन्च आया था पार्क करके सेक्टर 80 के अंदर, शोभा का ही 80 के अंदर, कर्मा लेक लैंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो 8-10 करोड़ का अगर आपका बजट है, तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी है कर्मा लेक लैंड के अंदर। इसके अलावा गोल्ड फील्ड्स का प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 79 में, जिसका जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा था, उसमें कुछ यूनिट्स अभी मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा एसपीआर पे अगर मैं बात करूं, एसपेन के अंदर कुछ पेंट हाउसेस बचे हुए, अदरवाइज मोस्टली प्रोजेक्ट लेस सोल्ड आउट है। सिग्नेचर ग्लोबल का रिसेंटली लॉन्च आया था सेक्टर 71 के अंदर, जिसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा ट्यूलिप का भी नया लॉन्च आने वाला है, ट्रेन के लो राइज फ्लोर से, अगर आपका 2.5-2.5 करोड़ के आसपास का बजट, तो आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये हो गए एसपीआर के लॉन्चेस की बात। अगर मैं गोल्फ कोस्ट और एक्सटेंशन की बात करूं, तो वहां पे बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आ रहे हैं, लाइक सिल्वर ब्लेड का लॉन्च आ रहा है सेक्टर 59-63A के पास में, ट्रेवोक का लॉन्च आ रहा है सेक्टर 56 में, ओबराय भी आ रहा है यहाँ पे, प्लस एंथ्रियम का एल्टीट्यूड आया है। ओके, तो ये लॉन्चेस थे अलग अलग मेजर माइक्रो मार्केट्स के अंदर। तो आप इनमें से किसी में भी मेजर माइक्रो मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर पे 8584840 पे, या फिर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इससे थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, बट आपको मेजर माइक्रो मार्केट्स के अंदर हर एक एंगल से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि कहां पे आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं, और कौन से मेजर फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। ओके, सो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो आप इन दिन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इन चारों मेजर माइक्रो मार्केट के अंदर कंफ्यूज है कि किस मेजर माइक्रो मार्केट्स के अंदर उनको अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट उनको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए और मुझको एक मोटिवेशन मिल पाए आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। जाते जाते रिक्वेस्ट है, गुजारिश, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के वीडियोस के आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।